हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डील विद सिंपल पेंडुलम। ये जो टॉपिक हमारा है सिंपल पेंडुलम का, ये काफी एक्सपेरिमेंटल टॉपिक है बच्चों। इस क्लास में हम लोग पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं बच्चों। पहले हम लोग देखेंगे व्हाट इज पेंडुलम। ओके, देखो सिंपल पेंडुलम पढ़ने से पहले आपको कुछ अजम्पशन अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है ना, आपको स्ट्रिंग, ये जो आपका स्ट्रिंग दिख रहा है, दिस इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, इसको आप रस्सी बोल सकते हैं। इसको अज्यूम करना पड़ेगा कि दिस स्ट्रिंग इज मासलेस। पहला क्या अज्यूम करना पड़ेगा, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, इसमें कोई मास नहीं है, ठीक है। दूसरा हो गया ये जो हमारा इन इलास्टिक मतलब बोला जाता है, ये जो स्ट्रिंग है इसके ऊपर अगर कोई मास लटकाते हैं, ठीक है, तो दिस इज नॉट गोइंग टू एक्सटेंड, मतलब ये स्ट्रेचेबल नहीं होगा। तो इन इलास्टिक मतलब हो गया, दैट इज इट इज नॉट गोइंग टू बिकम स्ट्रेच। ओके, जैसे मान लेते हैं ये हमारा एक सिंपल सा ये हेडफोन हमारा, तो यहाँ पे हम सिंपल सा इसका एग्जांपल लेते हैं, दिस इज गोइंग टू बी कंसीडर्ड एज अ बॉब। ओके, बॉब ऑफ द सिंपल पेंडुलम, ये आपको बॉब कंसिडर कर लीजिए एंड दिस इज द स्ट्रिंग। तो इस स्ट्रिंग में आप देख सकते हैं कि ये आपका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। इसको पहले अज्यूम करना पड़ेगा कि दिस स्ट्रिंग इज कंसिडर एज अ मासलेस, दिस स्ट्रिंग इज गोइंग टू कंसिडर एज अ मासलेस, इसका कोई मास नहीं होगा। दूसरा अज्यूम करना पड़ेगा, ये जो स्ट्रिंग है ये ड्यू टू द लोड और ड्यू टू द वेट ऑफ दिस बॉब इट इज नॉट गोइंग टू बिकम स्ट्रेच, मतलब ये ज्यादा खिंचाएगा नहीं, ठीक है। तो इट इज इन इलास्टिक, मतलब स्ट्रिंग को आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि ये स्ट्रिंग इलास्टिक नहीं है। और तीसरा है कि देखो एक वर्ड यूज किया गया, दैट इज टोर्सनलेस। टोर्सनलेस का मतलब होता है बच्चों, ये जो बॉब है ये इट इज नॉट गोइंग टू रोटेट अबाउट द स्ट्रिंग, अबाउट द स्ट्रिंग लाइक दैट। ओके, सो ये तीनों अजम्पशन आपको पहले अज्यूम करना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पे अज्यूम करने के बाद हम लोग को देखेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा एक सिंपल स्ट्रिंग और रस्सी होगा जो कि हम लोग एक रिजिड सपोर्ट के साथ हम लोग क्या करेंगे, फिक्स कर देंगे। और नीचे का जो पोर्शन दूसरा जो एंड होगा वो हम लोग क्या करेंगे, एक हमारा हैवी पॉइंट मास, हैवी पॉइंट मास मतलब बोलना चाह रहे हैं कि एक बॉब हम लोग अटैच कर देंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग टू एंड फ्रो मोशन करवाएंगे। तो व्हाट इज द सिंपल पेंडुलम, इट इज अ हैवी पॉइंट मास। ओके, इट इज अ हैवी पॉइंट मास सपोर्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट, सपोर्टेड बाय द रिजिड सपोर्ट बाय अ मासलेस। देखिए बाय अ मासलेस और इन इलास्टिक स्ट्रिंग। तो बच्चों आप बोल सकते हैं ना, व्हाट इज अ पेंडुलम, पेंडुलम इज दैट इट इज अ हैवी पॉइंट मास, इट इज अ हैवी पॉइंट मास दैट इज सस्पेंडेड बाय अ रिजिड सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ व्हाट, विद द हेल्प ऑफ मासलेस एंड इन इलास्टिक स्ट्रिंग। ये डेफिनेशन हो गया। तो बच्चों अब सिंपल पेंडुलम पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ टर्म पढ़ेंगे, ठीक है, द टर्म रिलेटेड टू सिंपल पेंडुलम, ठीक है। पहला आता है हमारा ऑसिलेशन, व्हाट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है जैसे वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। देखिए यहाँ पे वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ दिस बॉब ऑफ पेंडुलम, मतलब यहाँ बोलना चाह रहा है कि जब हम लोग इस बॉब को इस पोजिशन पे बी पोजिशन पे लेते हैं, ठीक है। देखो एक और चीज हम लोग यहाँ पे समझेंगे, दिस वी कंसिडर एज अ बॉब ना। Now, इस पोजीशन को हम लोग अज्यूम करते हैं, दिस इज द पोजीशन इज कॉल्ड द मेन पोजीशन। ओके, दिस पोजीशन इज कॉल्ड द मेन पोजीशन। अब इसी पोजीशन को आगे हम लोग यहाँ पे ले जाते हैं, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, मींस यहाँ पे बी को बोलते हैं दिस पोजीशन इज कॉल्ड द एक्सट्रीम पोजीशन। तो आप यहाँ लिख दिए एक्सट्रीम पोजीशन। अगेन यहाँ पे भी सी हमारा क्या होगा, दिस इज ऑल्सो एक्सट्रीम पोजीशन। तो यहाँ पे ये हमारा मेन पोजीशन हो गया। अब क्या हो रहा है बच्चों, हम लोग व्हाट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब होता है वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन मतलब हो रहा है कि ये जो बॉब हमारा, देखिए बॉब हमारा क्या है, बी से सी जाएगा। वाया कहां से, वाया मतलब होता है कि किसके पास हो जाएगा, ओ से पास होगा, मतलब बी पोजिशन से अगर सी पोजिशन पे जा रहा हमारा बॉब, किसके पोजिशन के पास करते हैं, ओ पोजिशन के पास करते हैं। अगेन सी पोजिशन से अगेन किसके पास चला गया, डेट इज हमारा बी पोजिशन पे चला गया, डेट इज वाया। मीन्स पहले किस पोजिशन पे होता है हमारा, बी पे। अगेन हमारा किस पोजीशन पे आया, बी पे। एंड दिस कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द पेंडुलम इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज ऑसिलेशन। ओके, ये कंप्लीट हो गया। एंड सेकंड टर्म आता है व्हाट इज टाइम पीरियड। बच्चों ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट आता है। देखिए टाइम पीरियड क्या होता है ना, टाइम पीरियड एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगाता है। देखिए टाइम ऑसिलेशन क्या होता है, टाइम ऑसिलेशन इज दैट हाउ मेनी टाइम और हाउ मेनी सेकंड इट टेक्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको बोलते हैं हम लोग टाइम पीरियड। तो बच्चों आपको समझ आ गया व्हाट इज ऑसिलेशन, ऑसिलेशन का मतलब सिंपल सा होता है वन कंप्लीट ऑसिलेशन और वन कंप्लीट टू एंड फ्रो मोशन ऑफ द बॉब ऑफ द पेंडुलम। ओके, तो एक कंप्लीट जो ऑसिलेशन होगा और एक कंप्लीट जो टू एंड फ्रो मोशन होगा इसका बॉब का, पेंडुलम का। ओके, दैट इज कॉल्ड ऑसिलेशन। और टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है सिंपल सा कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना समय लगा रहा है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है जस्ट उल्टा कर दिए, टाइम पीरियड का उल्टा कर दिए। मींस यहाँ पे बात हो रही है कि यहाँ पे टाइम पीरियड में क्या हुआ, टाइम पीरियड बोलना चाह रहा है कि एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगेगा,
पर फ्रीक्वेंसी उल्टा कहता है, फ्रीक्वेंसी बोलता है कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा। फ्रीक्वेंसी क्या कहता है कि एक सेकंड में कितना बार ऑसिलेट करेगा, एंड दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। हम लोग तीन टर्म समझ लिए, व्हाट इज ऑसिलेशन, व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी। अगला हमारा आता है व्हाट इज एम्पलीट्यूड। ओके, देखिए बच्चों, एम्पलीट्यूड में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये हमारा जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए यहाँ पे बात हो रही है व्हाट इज एम्पलीट्यूड, ये हमारा मीन पोजिशन है ना बच्चों, ये हमारा मीन पोजिशन है और ये हमारा एक्सट्रीम पोजिशन है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किसका, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ना। सो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजिशन टू आइदर साइड ऑफ द एक्सट्रीम पोजिशन, दैट इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड। ओके बच्चों, तो ये हमारा चौथा टर्म हम लोग सीख लें व्हाट इज एम्पलीट्यूड। फिफ्थ हमारा जो टर्म, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ है, व्हाट इज द इफेक्टिव लेंथ। तो बच्चों आप देख सकते हैं ये हमारा बॉब है ना, तो बॉब को हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं, पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं। बॉब को हम लोग सिंपल सा पॉइंट मास कंसीडर कर रहे हैं, मींस सिंस अगर हमारे पास स्फीयर है, सपोज दिस इज द स्फीयर, अब हम लोग इसको अगर रस्सी से लटका दे रहे सपोज, तो ये इसका तो मास क्या है, इसका तो मास क्या है, मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पर इस मास को हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड मास को हम लोग कंसीडर करेंगे द पॉइंट मास। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां लाई करेगा, दैट इज द सेंटर, एट द ज्योमेट्रिक सेंटर ऑफ दिस स्फीयर। और वहां पे अगर सेंटर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक रेडियस का कॉन्सेप्ट आएगा ना, तो टोटल एल लेंथ होगा, जो एल इफेक्टिव होगा बच्चों वो क्या होगा, दैट इज रेडियस ऑफ दिस स्फीयर, रेडियस ऑफ दिस स्फीयर प्लस लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये टोटल अगर जोड़ेंगे तब हमारे जाके निकलेगा एल इफेक्टिव। ओके, तो ये हमारा चार कॉन्सेप्ट था, दैट इज द टर्म्स रिलेटेड टू पेंडुलम। अब अगला कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज हाउ द टाइम पीरियड, एक अगला कॉन्सेप्ट हमारा था, हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द लेंथ। मींस यहां पे बात हो रही है कि ये जो हमारा देखे थे पेंडुलम, ये इस पेंडुलम में अगर हम लेंथ इंक्रीज कर देंगे तो हाउ इट इज गोइंग टू डिपेंड्स, मींस इसका टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा, मींस अगर लेंथ इंक्रीज करेंगे तो इसका टाइम पीरियड पे फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो बच्चों हम लोग एक्सपेरिमेंट के थ्रू देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे पहला एक्सपेरिमेंट हम लोग किए थे जब हम लोग 25 सेंटीमीटर का लेंथ, ये देख सकते हैं जब हम लोग क्या किए, ये 25 सेंटीमीटर लेंथ का हम लोग पेंडुलम क्रिएट किए थे, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा टाइम पीरियड निकला था कितना, दैट इज 1 सेकंड। तो बच्चों यहाँ पे कैसे करना है, आप जब एक्सपेरिमेंट करिएगा ना तो आपको सिंपल से क्या करना है, ये जो हमारा है, ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आपको क्या करना है, 20 बार इसको ऑसिलेट कराने वाली है। तो ये मेन पोजिशन है, तो एक पोजिशन एक यहाँ से जाकर के एक बार क्या करेगा, इस मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन क्या, फिर अगेन मीन पोजीशन पे आएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन पे आएगा। तो ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हुआ। सिमिलरली आपको क्या करना है, 20 ऑसिलेशन इसको करवाना है इस तरह, ठीक है। अब 20 ऑसिलेशन होने में कितना समय लगाता है वो आपको यहां पे लिख लेना है। वही बोला टाइम फॉर 20 ऑसिलेशन करने में कितना समय लगा है, तो यहाँ पे कितना लगाया था, 20 सेकंड लगाया था, कब, जब इसका 25 सेंटीमीटर लेंथ हम लोग लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कंसीडर किए थे। जब हम लोग एक सेकंड मीन जब हम लोग क्या कि एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगाता है, तो सिंपल से पता है 20 ऑसिलेशन होने में कितना, 20 सेकंड लगा रहा है, तो एक ऑसिलेशन होने में कितना लगाएगा, 1 सेकंड लगाएगा। अगेन हम लोग क्या करेंगे, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अगेन हम लोग इंक्रीज करने वाले हैं बच्चों, पहले 25 था, अब इसको हम लोग इंक्रीज करके कितना कर देंगे, दैट इज 36 कर देंगे। तो यहाँ पे भी देखेंगे कि यहाँ इसका जो टाइम पीरियड था वो इंक्रीज कर गया था, ठीक है, कितना, दैट इज 4 सेकंड से, कितना 4 सेकंड से, तो अभी कितना हो गया, दैट इज 24 सेकंड। तो यहाँ पे 20 ऑसिलेशन होने में कितना समय लगा रहा है, 24 सेकंड, तो एक ऑसिलेशन होने में कितना समय लगाएगा जी, दैट इज 1.2 सेकंड। अगेन एक और एक्सपेरिमेंट करके देख लीजिएगा आप, यहाँ पे देख सकते हैं 49 सेंटीमीटर का हम लोग लेंथ कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे देखें कि हमारा कितना सेकंड लिया, 28 सेकंड। तो अगेन हम लोग फाइंड आउट किया, तो यहाँ पे टाइम पीरियड क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, दैट इज 1.4 सेकंड। अगेन आप सिमिलरली और भी जो हमारा लेंथ है उसको कंसिडर करते हुए निकालिएगा, तो फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट वी कैन से दैट लेंथ जैसे हमारा इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं लेंथ हमारा इंक्रीज हुआ ना जी, 25 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर, 49 सेंटीमीटर, 64 सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। जब हमारा यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो हमारा टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो रहा है। देखिए जैसे यहाँ पे लेंथ इंक्रीज हुआ हमारा, यहाँ पे देख सकते 1 सेकंड हुआ, जब 36 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ तो हमारा यहाँ पे देख सकते टाइम पीरियड कितना इंक्रीज हुआ, 1.2 सेकंड हो गया। अगेन 49 सेंटीमीटर इंक्रीज हुआ तो हमारा अगेन यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया। अगेन अगर इंक्रीज किया 64 सेंटीमीटर तो हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज 1.6 हो गया। अगर हमारा 81 सेंटीमीटर किए तो अगेन हमारा इंक्रीज हो गया, दैट इज 1.8 सेंटीमीटर और 1.8 सेकंड। और अगेन हमारा 100 सेंटीमीटर कर दिए तो हमारा कितना हो गया, दैट इज 2 सेंटीमीटर। ओके, जैसे जैसे हम लोग लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं हमारा टाइम पीरियड यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन यहाँ पे हम लोग एक कंक्लूड करते हैं कि टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल। तो इस फॉर्मुला को आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल। ओके बच्चों, अब देखिए हम लोग यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में पूछ देगा आपसे, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्या पूछेगा कि मान लेते हैं कि हमारा एक पेंडुलम है, ठीक है, दिस इज द से एक पेंडुलम है, दैट इज S1, और एक और पेंडुलम है S2। ओके, अब इन लोगों को क्या कि आसपास बगल बगल में रखें, पर इन द फर्स्ट केस हम लोग लेंथ ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम इज L1 एंड द लेंथ ऑफ दैट इज
सेकंड पेंडुलम इज L2, मीन्स पहला जो हमारा दूसरा पेंडुलम था उसको L2 मान लिए, अब पहला जो पेंडुलम है उसका लेंथ हम लोग L1 मान लिए। अब आपसे क्वेश्चन पूछिएगा ये फाइंड द रेशियो ऑफ द टाइम, मीन्स फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम, मीन्स हम आपको सिंपल से क्वेश्चन क्या बोला, डेट इज फाइंड द T1 बाई T2, आपको इसका क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो बच्चों यहाँ पे सिंपल से क्या करना है ना, आपको जैसे पता है यहाँ पे बोल लिख सकते ना T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, L1 रूट अंडर L1, यहाँ पे क्या लिखेगा डेट इज T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर L2। तो बस यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिएगा। अगेन हम लोग जब हम लोग इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो T1 इज इक्वल टू क्या लिखेगा, डेट इज K इंटू रूट अंडर L1, और यहाँ पे क्या लिखेगा, डेट इज T2 इज इक्वल टू K इंटू L2। ओके बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको पहला इक्वेशन को और दूसरा इक्वेशन को हम लोग सिंपल सा डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे T1 बाई T2 क्या हो जाएगा, T1 बाई T2 इज इक्वल टू K टाइम्स रूट अंडर L1 डिवाइडेड बाई K टाइम्स रूट अंडर L2, और यहाँ पे हम लोग ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनल हमारा जो वैल्यू निकलेगा बच्चों वो क्या निकलेगा, डेट इज T1 बाई T2 इज इक्वल टू रूट अंडर L1 बाई L2, एंड दिस इज अ फाइनल रिलेशन। और ऑलरेडी आपको लेंथ पता रहेगा पहला पेंडुलम का, दूसरा पेंडुलम का लेंथ बता देगा, तो आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग T1 बाई T2 का रेशियो निकाल सकते हैं बच्चों। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, ठीक है। बच्चों अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है प्लीज सेशन को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट क्या है ना बच्चों, इसमें बोलना चाह रहा है कि ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स टाइम पीरियड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो यहाँ पे बोलना चाह रहा है दैट इज टाइम पीरियड इज गोइंग टू डिपेंड हाउ, तो इस क्लास में हम लोग क्या करने कवर करने वाले, हाउ द टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक पेंडुलम था और इसको क्या ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, ये हमारा सर्फेस ऑफ द अर्थ है, इस पे हम लोग क्या कि ये हमारा कंसिडर यही पेंडुलम, अब यही जो पेंडुलम है इसका लेंथ कुछ एल मान लेते ना, अब यही पेंडुलम हम लोग क्या कि मून पे लेके चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे जब मून पे लेके गए तो यही पेंडुलम का लेंथ तो सेम होगा ना, क्या कि यही पेंडुलम को हम लोग मून पे लेके चले गए। तो बच्चों आपको पता है कि अर्थ का जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो कितना होता है बच्चों, डेट इज 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एट द सेम टाइम आपको ये भी कॉन्सेप्ट पता है कि जो मून का जो हमारा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो अर्थ का जो ग्रेविटी होता है उसका 1/6 होता होगा, 1/6 होता है। जब इसको हम लोग यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं 1.9.8 डिवाइड बाई 6 करिएगा तो इसका जो लमसम वैल्यू होगा कितना है, 1.65 मान लेते हैं, ठीक है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो दिस इज द एक्सेलेरेशन वैल्यू ऑफ मून। अब देखो यहाँ पे बच्चे यहाँ से ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं कि यहाँ पे हमारा बॉब था, यहाँ पे जो ये हम लोग ये हमारा सिंपल पेंडुलम है ना जी, अब इस सिंपल पेंडुलम को नाउ वी आर गोइंग टू कंसीडर हियर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो सिंस ये सर्फेस ऑफ द अर्थ है तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल सा देखिए, अब इसको आप यहाँ पे रखिए, अब ये हमारा एक्सट्रीम पोजिशन में पहुंच गया, अब इसको छोड़ दीजिए तो आ जाएगा ना। तो डू टू वाइट इज कमिंग बैक, मतलब यहाँ से बोल सकते हैं कि ये जो इस पोजिशन पे क्यों नहीं रुका, क्या है कि यहाँ पे क्या लग रहा है बापू, यहाँ पे लग रहा है आपका दैट इज फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, मीन्स ग्रेविटी इसको क्या करेगा अपनी तरफ खींचेगा, ग्रेविटी जब इस पोजिशन पे आ गया तो ये तो अनस्टेबल पोजिशन है जी, इसका तो अनस्टेबल पोजिशन मीन पोजिशन है, तो ये क्या करेगा ड्यू टू ग्रेविटी ये इधर आना चाहेगा। एट द सेम टाइम ग्रेविटी का जो पुल है वो ज़्यादा है, यहाँ पे देख सकते हैं ना ग्रेविटी का पुल ज़्यादा है तो बहुत जल्दी आ जाएगा, अगेन यहाँ पे देख लीजिए। पर वहीं अगर कंसिडर करेंगे मून पे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो लग रहा है डेट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो हमारा वो कम है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि कितना डेट इज 1.65 है। तो यहाँ पे अगर मान लेते इसी पेंडुलम को हम लोग लेके चले गए कहाँ पे, हम लोग के लेके चले मून पे, तब अब इसको यहाँ पे रखें, अब इसको जब छोड़िएगा तो ये आराम से आएगा। क्यों आराम से आएगा, क्योंकि जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जो वेट है मून पे जो क्या होता है हल्का हो जाता है ना कुछ भी सामान, क्यों, क्या कि उसका जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो पुल करने का जो पावर है उस सरफेस का वो कम हो जाता है। जब पुल करने का पावर कम हो जाता है तो यहाँ पे क्या करें आराम आराम से आएगा। मीन्स यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जब हमारा जी का वैल्यू अगर ज़्यादा होगा तो टाइम पीरियड बहुत कम लगेगा, देख सकते हैं ना, अगर जी का वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा होगा तो तुरंत आ जाएगा यहाँ पे। पर इन दिस केस ऑन द सर्फेस ऑफ द मून अगर जी का वैल्यू हमारे यहाँ पे कम है ना, कितना ओनली लमसम में कितना डेढ़ है, तो जब जी का वैल्यू बहुत कम कर दिए तो यहाँ पे देख सकते हैं ये आराम आराम से नीचे आएगा। मीन्स हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड इसे इंक्रीज हो जाएगा, टाइम पीरियड हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये जो दो रिलेशन है कि जब हमारा जी का वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करते हैं तो टाइम पीरियड हमारा डिक्रीज हो जाता है, और जी का वैल्यू अगर डिक्रीज करते हैं तो हमारा टाइम पीरियड इंक्रीज होता है, मीन्स दे हैव अ इनवर्स रिलेशन। ओके बच्चों, तो यहाँ पे बोल सकते हैं दैट इज टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो बच्चों ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। ओके बच्चों, तो ये आपका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया। तो हम लोग आपको ध्यान देना पड़ेगा कि टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, फर्स्ट वन हो गया हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दूसरा हो गया डेट इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके बच्चों, चलिए अगला कॉन्सेप्ट हमारा इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मान लेते हैं कि एक कोई सर्फेस होगा, मान लेते हैं मार्स पे चल गए, ठीक है, तो ये मार्स हमारा है,
ठीक है, और ये हमारा सैटर्न हो गया, ठीक है। अब मार्स और सैटर्न का सरफेस यहाँ पे इसका जो एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको G1 मान लेते हैं, इसका एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम लोग G2 मान लेते हैं, और इसका लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो हमारा सेम होगा। अब इसी पहले हम लोग क्या कि मार्स पे चले गए, ठीक है, मार्स पे चले गए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना G1 है। अब वही यही पेंडुलम को हम लोग लेके चले गए कहाँ पे, दैट इज सैटर्न पे, तो इसका भी लेंथ तो सेम होगा। यहाँ पे बोल सकते हैं कि जब लेंथ अगर सेम होगा, मीन सेम पेंडुलम को अलग अलग जगह पे ले जाते हैं और उसका सेंटर ग्रेविटी अलग अलग होता है, तो नाउ यू फाइंड द रेशियो बिटवीन T1 बाई T2, मीन से आपको रेशियो निकालना है टाइम पीरियड ऑफ द फर्स्ट पेंडुलम ऑफ द सेकंड पेंडुलम। तो आप कैसे निकालिएगा बच्चों, तो आप सिंपल से यहाँ पे क्या करिए, डेट इज T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G1 लिखिएगा यहाँ पे, और इसके लिए क्या करिएगा सैटर्न वाला के लिए, डेट इज T2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√G2। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट को हटाएंगे, तो क्या लिखें, T1 इज इक्वल टू K टाइम्स √G1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज T2 इज इक्वल टू K × 1/√G2। अब हम लोग यहाँ पे अगेन रेशियो निकालने की बात हो रही है, तो आप इसको सिंपल से इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, और रेशियो निकालने की बात हो रही है इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब यहाँ पे क्या बोल सकते हैं बच्चों, डेट इज T1 बाई T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बस इसको डिवाइड करना, डेट इज K/√1 और डिवाइडेड बाई G1, ओके, और K/√G2, ओके। हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट करें, K कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे जब कैंसिल आउट करेगा तो हमारा एक फाइनल रिजल्ट आएगा, डेट इज T1 बाई T2 इज इक्वल टू √, देखिए ये G1 जो है नीचे आएगा और ये G2 आएगा ऊपर आएगा, मीन्स यहाँ पे बोल दिएगा डेट इज G2 बाई G1 और ये √ में होगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि दो सेम पेंडुलम है और दे आर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लैनेट टू अनदर प्लैनेट, मीन्स यहाँ पे सैटर्न और मार्स का कॉन्सेप्ट हम दिए, सिमिलरली इस तरह एग्जाम में कुछ तरह किसी तरह भी क्वेश्चन डाल सकते हैं। चलिए बच्चों अगला कॉन्सेप्ट आपका है, हमारा ये कॉन्सेप्ट है, डेट इज यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो आपका टाइम पीरियड डिपेंड किया था ना, ये टाइम पीरियड हम लोग जब निकाले, जैसे ये एक्सपेरिमेंट करके निकाले ना, डेट इज लेंथ हो गया, लेंथ हमारा इंक्रीज करते जा रहे हैं, लेंथ हमारा इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा टाइम पीरियड भी हमारा इंक्रीज हो रहा है, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ना, अभी जस्ट पढ़े थे कॉन्सेप्ट। अब आपको बच्चों को क्या करना पड़ेगा, इसका आप ग्राफ बना लीजिए, तो ग्राफ बनाने का सिंपल सा तरीका, मान लीजिए एग्जाम में इस तरह पूछेगा कि आपको एक ग्राफ दे देगा, यहाँ पे आपको ग्राफ में क्या देगा, एक टी स्क्वायर का वैल्यू देगा बच्चों, मीन्स यहाँ पे टी का वैल्यू ऑलरेडी पता चल गया, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का वैल्यू देगा, टी स्क्वायर का वैल्यू देगा, तब टी स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी पता रहेगा, ठीक है, टी स्क्वायर का वैल्यू पता रहेगा, और सिमिलरली ये लेंथ ऑलरेडी आपको पता रहेगा, ठीक है। यहाँ से पहले आपका एक्सपेरिमेंट के थ्रू आप क्या किए, लेंथ हम लोग इंक्रीज करते गए और टाइम पीरियड निकालते गए, लेंथ इंक्रीज करते गए टाइम पीरियड निकालते गए। जब टाइम पीरियड निकाल गए तो आप सिंपल सा जितना वैल्यू आया था उसको स्क्वायर कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे क्या करना है ना आपको बच्चों, आप आपको ग्राफिकल मेथड आपको ग्राफ में रिप्रेजेंट करेगा करना पड़ेगा, मीन्स यहाँ पे जो एल, ये जो वैल्यू था आपका, जो एल था उसको अलोंग द एक्स एक्सिस कंसीडर करिए, और जो टी स्क्वायर था उसको अलोंग द वाई एक्सिस कंसीडर करिए, ठीक है। अब इससे फायदा क्या होगा, देखिए देखिए बच्चे, ये आपका ग्राफ हो गया, डेट इज अलोंग द एक्स एक्सिस वी आर गोइंग टू कंसीडर द एल, एंड अलोंग द वाई एक्सिस वी विल कंसीडर डेट इज टाइम, जो पीरियड होगा उसका स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है। जब ऐसा कुछ करिएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरह का आपको एक सिंपल सा ग्राफ मिलेगा। अब इसका आपको स्लोप निकालना है, अब ये सिंपल सा, ये अगर एक स्ट्रेट लाइन है और ये आपका पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट पता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। मैथ्स में क्या पढ़े थे, डेट इज y2 − y1 / x2 − x1। तो आपको पता है कि यहाँ पे अगर ए कोऑर्डिनेट अगर निकालिएगा तो ए कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू, डेट इज L1 है कॉमा डेट इज T1 स्क्वायर है, अब बी कोऑर्डिनेट का वैल्यू कितना है बच्चों, डेट इज L2 है कॉमा डेट इज T2 स्क्वायर हो गया। तो ये दो कोऑर्डिनेट हमारा है, और इस दो कोऑर्डिनेट को यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ इक्वेशन, बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ स्लोप। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको आप x1 मान लीजिए, जो y एक्सिस वाला जो कोऑर्डिनेट होगा हम लोग y1 मानेंगे, अगेन b जो कोऑर्डिनेट होगा हमारा वो x2 हो जाएगा, और T2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, डेट इज y2 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y2 − y1 / x2 − x1। बस इस फॉर्मूला को यूज करिएगा तो हमारा आपका स्लोप सिंपल सा निकल जाएगा। जब स्लोप निकल गया तो हम लोग इसका यूज कहाँ करेंगे, स्लोप निकलेगा तो इसका यूज कहाँ करेंगे बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो टाइम पीरियड हमारा जो फॉर्मूला निकला था, देखिए ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव हुआ, देखिए ये फॉर्मूला ड्राइव करने का सिंपल सा तरीका था, यहाँ पे क्या करिएगा, पहले हम लोग देखें टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, देखें डेट इज √L, दूसरा इक्वेशन देखें डेट इज टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/G। अब ये दोनों को कंबाइन कर दिया, जब दोनों को कंबाइन करिएगा तो क्या हो जाएगा, डेट इज T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √L/G। ओके बच्चों, अब जब इससे ये जो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसको हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट इज T इज इक्वल टू एक कॉन्स्टेंट से रिप्लेस करना पड़ेगा, और √L/G, और ये जो कांस्टेंट का जो वैल्यू कितना होता है, डेट इज T इज इक्वल टू 2π होता है √L/G। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाता है टाइम पीरियड का, फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, डेट इज T इज इक्वल टू 2π √L/G। तो अगेन हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं, तो T इज इक्वल टू 2π √L/G।
हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायरिंग और बहुत साइड दोनों साइड आप क्या करेंगे सिंपल से स्क्वायर कर दिए। जब ऐसा कुछ करिए तो यहाँ देख सकते हैं कितना आया बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं ये स्क्वायर हो गया, डेट इज टी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे दो दिन चार हो गया, चार पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल बाई जी। यहाँ पे क्या करेंगे बाइजिंग दिस ग्राफ, यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ हम लोग बनाए थे किसका टी स्क्वायर आर एल का, ठीक है, इसके इस ग्राफ को यूज करके आप क्या कर सकते हैं जी का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे कैसे निकाल रहे हैं, यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई एल बाई जी हो जाएगा। जी को ये जो जी आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस जी को आप उठा के इधर फेंक दीजिएगा और टी स्क्वायर आप इसको उठा के इधर फेंक दीजिएगा। सिंस ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमिनेटर में आ जाएगा, जी यहाँ पे आ जाएगा और ये अगर इस साइड है तो हमारा सिंपल सा डिवीजन में चला जाएगा, डेट इज टी स्क्वायर हो गया। ओके आप क्या करिए फोर स्क्वायर को फिक्स कर लीजिएगा और एल को आप उठा के नीचे फेंक दीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा टी स्क्वायर बाई एल हो जाएगा और दिस टी स्क्वायर बाई एल क्या होता है सिंपल सा स्लोप होता है। तो यहाँ पे जी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकल गया जी, डेट इज जी इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई स्लोप ऑफ टी स्क्वायर एल ग्राफ। ओके तो ग्राफ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल लेंगे और स्लोप का जो वैल्यू आएगा उसको आप सिंपल सा डिनोमिनेटर में रख लीजिए फोर पाई स्क्वायर डिवाइड बाई, तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे जी का वैल्यू निकल जाएगा। तो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है, हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू जी बाई यूजिंग द ग्राफ ऑफ टी स्क्वायर एन एल। ओके चलिए अगला जो कॉन्सेप्ट है, अगला कॉन्सेप्ट हमारा है डेट इज हाउ द टी मीन्स, देखिए दो फैक्टर पे टाइम डिपेंड करता है, दो फैक्टर पे टाइम पीरियड डिपेंड करता है। पहला फैक्टर हो गया हमारा क्या, पहला फैक्टर हमारा डेट इज लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, और दूसरा हो गया हमारा डेट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पर दूसरा एक और हमारा एक क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, डेट इज टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन वाट, टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन वाट। तो जैसे अभी हम लोग क्या किए थे, एक सिंपल पेंडुलम बनाए थे ना जी, एक सिंपल पेंडुलम बनाए थे, तो यहाँ पे हम स्फीयर शेप में बॉब लिए थे। अब इस केस की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, इसकी जगह शेप मीन्स ये शेप ऑफ द बॉब, ये जो शेप ऑफ द बॉब होगा वो आप स्क्वायर भी ले सकते हैं, आप रेक्टेंगल भी ले सकते हैं, आप कोई भी पॉलीकॉन फिगर भी ले सकते हैं, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स टाइम पीरियड। ओके अगला हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं मास, अगर मास कंसीडर करेंगे इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट ऑन द मास, आप यहाँ 5 किलो का बॉब डाल दीजिए या 5 ग्राम का बॉब डाल दीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास। ओके तो मास पे भी ये कोई डिपेंड नहीं करता है। अगला है कि मटेरियल मीन्स ये जो हमारा बॉडी है इसमें क्या मटेरियल कंपोजिशन है उस पर भी कोई डिपेंड नहीं करेगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द शेप, इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉब एंड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉब। ओके तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है बच्चों, आपको देखना पड़ेगा। अब एक और कॉन्सेप्ट में बताना चाहता हूँ, मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह आएगा बच्चों, क्वेश्चन क्या दे दिया, मान लो पहला केस में आपका पेंडुलम दे दिया, ठीक है, दूसरा केस में आपका यहाँ पे इस फॉर्म में दे दिया बॉडी और इसका लेंथ एल रखा, इसका लेंथ एल रखा, मीन्स इस केस में हमारा क्या हुआ कि ये जो बॉब है इसका मान लीजिए बोल दिया ग्राम 50 ग्राम और इस केस में ये जो हमारा बॉब दिख रहा है इस फॉर्म में स्क्वायर के फॉर्म में इसका बोल दिया 100 ग्राम है। अब बताना है कि इसका टी1 ये एक अलग पेंडुलम हो गया, ये इसका T2 एक अलग पेंडुलम हो गया, मीन्स इसका टाइम पीरियड T1 मान लेते हैं, इसका टाइम पीरियड T2 मान लेते हैं, ये हमारा पहला पेंडुलम S1 हो गया, S2 दूसरा पेंडुलम हो गया। ओके अब आपको बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ T1 बाई T2। तो बच्चों आपको सिंपल सा है, बहुत इजी क्वेश्चन था, सिंस हमारा लेंथ अगर सेम है, लेंथ अगर सेम है और यहाँ पे बॉब का वेट कितना है 50 ग्राम है, बॉब का वेट कितना दिया है 100 ग्राम और ऑल्सो यहाँ पे देख सकते शेप ऑफ द बॉब अलग अलग है, तो नहीं क्या है कि यहाँ पे टाइम पीरियड इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द वेट एंड इट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉब, इट इज नॉट गोइंग टू डिपेंड ऑन द शेप ऑफ द बॉब, यहाँ फाइनल आंसर क्या होगा 1:1 हो जाएगा बच्चों। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है बच्चों, आपको देखना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आपको सेशन कैसा लग रहा है प्लीज सेशन को लाइक करिएगा। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बचता है आपका सेकंड पेंडुलम का। तो बच्चों सेकंड पेंडुलम क्या होता है ना, इसका जो टाइम पीरियड मतलब ये एक ऐसा पेंडुलम है जिसका जो टाइम पीरियड होगा वो कितना होगा बच्चों, डेट इज 2 सेकंड होगा, कितना होगा 2 सेकंड होगा। मीन्स यहाँ पे अगर हम सिंपल से एक पेंडुलम बनाने की कोशिश करते हैं तो हमारा यहाँ पे एक पेंडुलम हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम पोजिशन हो गया, ये हमारा एक्सट्रीम पोजिशन हो गया, ये हमारा ओ मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ए से हमारा ए से बी तक जाने में किसके थ्रू जाएगा, डेट इज ओ के थ्रू जाएगा, अगेन बी से ए जाने में किसके थ्रू जाएगा, डेट इज ओ के थ्रू जाएगा। तो ये से बी ए से बी जाने में जो एक एक्सट्रीम से दूसरा एक्सट्रीम पोजिशन में कितना सेकंड लगेगा, 1 सेकंड लगेगा, फिर बी से ए लगाने में कितना सेकंड लगेगा, 1 और सेकंड लगेगा, तो टोटल सेकंड एक कंप्लीट ऑसिलेशन होने में कितना लगेगा जी, डेट इज 2 सेकंड लगेगा, डेट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड। अब इसका अगर फ्रीक्वेंसी निकालना होगा तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T होता है बच्चों, तो मीन्स देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। तो ये जो फॉर्मुला होता है, ये फॉर्मुला होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी निकालना है तो क्या हो जाएगा, डेट इज 1/2 हो जाएगा, डेट इज 0.5 पर सेकंड हो जाएगा, 0.5 पर सेकंड, ठीक है। अब एक और लास्ट होता है कि सिंपल पेंडुलम में दो कॉन्सेप्ट हो गया, पहले टाइम पीरियड कितना होगा 2 सेकंड हो गया, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, डेट इज 0.5 सेकंड हो गया। एक लास्ट है डेट इज अगर हम लोग इसको लेंथ निकालेंगे ना, तो लेंथ क्या होता है लमसम में इसका कितना होता है, डेट इज 1 मीटर, मीन्स 1 मीटर ऑफ द लेंथ स्ट्रिंग होना चाहिए, तब जाके हमारा कितना टाइम पीरियड होता है, डेट इज 2 सेकंड होता है। बच्चों सेशन आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस सेशन में इतना ही है, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।